भाई पूरा कच्चा माल का गाड़ी एक लाइन से लग चुका है, देख सकते हैं ये पूरा कच्चा माल का गाड़ी है पूरा, ये जितना यहाँ पे देख रहे हैं सब पिकअप है और इनको भी आधा घंटा से ऊपर हो चुका है और हमारे पीछे भी पूरा लाइन लग चुका है कच्चा माल का गाड़ी का। ये भी कहाँ जाओगे कच्चा माल लेके? कलकत्ता। क्या चीज लोड है? लीची। भाई हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी को लोडिंग करके, रास्ता तिरपाल अपना कम्प्लीट हो चुका है तो हम लोग को 14 घंटे में बनारस पहुँचना है। जिस चीज का डर हम लोग को रहता है वही चीज हो गया, यहाँ पे जाम लग चुका है भयंकर वाला, देख सकते हैं रात का 8:30 बज चुका है, अभी हम लोग जाम से निकल नहीं पाए हैं और जस्ट अभी हम लोग फरक्का ब्रिज के ऊपर आए हैं। और एक चीज ना हमें ये कल समझ में आ चुका है कि यार 36,000 का भाड़ा हम छोड़ के बहुत बड़ा गलती कर दिए थे। तो जब ऐसा मौसम खराब हो जाता है ना तब थोड़ा सा अंदर से डर लगता है कि यार मौसम तो गड़बड़ हो चुका है, अब मेरा भाड़ा कहीं कैंसिल ना हो जाए। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आप लोगों को पता है मेरा कल का जो बुकिंग था वो मैंने खुद से कैंसिल किया था, तो आज अपना फाइनली लोडिंग कंफर्म हो चुका है। आज हमें जाना है लीची लोडिंग करने के लिए वाराणसी के लिए। एक्चुअली इतना गर्मी पड़ रहा था इसी वजह से मेरा हिम्मत नहीं हुआ जबलपुर जाने का, हम सोच रहे थे बनारस का मिल जाए, तो आज फाइनली अपना बनारस का लोडिंग कंफर्म हो चुका है। तो गाड़ी बहुत ज्यादा मेरा गंदा हो गया था, हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा गाड़ी को क्लीन करते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे लोडिंग के लिए, क्योंकि अभी सुबह का 7 बज चुके हैं। गाड़ी को क्लीन रखना काफी जरूरी है, अगर गाड़ी क्लीन नहीं रहता है तो गाड़ी चलाने का मन नहीं करता है। जैसे अपने शरीर को हम लोग नहाते धोते हैं उसी तरीके से गाड़ी को भी हमेशा क्लीन रखना चाहिए। क्लीन रहने से क्या होता है कि आपका गाड़ी भी अच्छा चलता है, देखने में भी सुंदर लगता है और साफ लगता है, स्वच्छ लगता है। टायर धोना तो बहुत जरूरी है गाड़ी का, जैसे हम लोग अपने शरीर को धोते हैं उसी तरीके से गाड़ी का टायर धोना तो बहुत जरूरी है गाइस। टायर अगर चमकेगा तभी आपका पूरा गाड़ी चमकेगा। तो गाइस फाइनली अपना गाड़ी क्लीन हो चुका है और पोषण यहाँ पे धो रहा है साफी, क्योंकि साफी बहुत ज्यादा गंदा हो गया था अपना, तो पोषण बोला इसको आज साबुन से धोएंगे क्योंकि इससे ना शीशा अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। यही हो रहा था भाई, बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, शीशा पोछने में दिक्कत हो रहा था। और एक चीज ना हमें ये कल समझ में आ चुका है कि यार 36,000 का भाड़ा हम छोड़ के बहुत बड़ा गलती कर दिए थे, लेकिन फिर बाद में हमें कोई समझाया कि देखो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर आपका भाड़ा छूटा तो आपको दूसरा तो मिलना ही है, भले एक दिन बाद मिले या दो दिन बाद मिले। बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि यार एक दो दिन रेस्ट कर रहे हो उसका तो हाल्टिंग खर्चा तुम्हारा लग ही रहा है, अपने जेब से लग रहा है। हाँ भाई खर्चा हो रहा है, जहां पे नहीं जाने का मन करता है, दिल नहीं मानता है, उस जगह पे 50,000 क्यों ना भाड़ा मिले, हम नहीं जाते हैं। बाकी बहुत लोग जाते हैं, बाकी अपना दिल नहीं करता तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि देखो जहाँ दिल नहीं करता वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो भाई साफी को धो लिया, ये साफी जो है हम लोगों को अजय भैया ने गिफ्ट किया था गाड़ी का शीशा पोछने के लिए, और कपड़ा बहुत ही अच्छा है, शीशा बहुत अच्छी तरीके से साफ होता है इससे। गाड़ी को तो पानी से अच्छे से धो दिया था पोषण, लास्ट ये अपना कपड़ा बड़ा मार रहा है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे लोडिंग करने के लिए, क्योंकि पार्टी का एक बार कॉल आया भैया आ जाइए फटाफट करके सुबह सुबह, तो अपना लोडिंग पॉइंट पे लोग लगवा देगा। पानी एकदम चिल्ड वाला है भाई, पानी एकदम ठंडा है, मजा आएगा आज। और गाइस आज का मौसम ना काफी अच्छा है, तो पोषण यहाँ पे चिल्ड चिल्ड पानी भर ले रहा है, हम लोग नाश्ता पानी करने के बाद चिल्ड वाला पानी पियेंगे, क्योंकि जब आप खेत में जाने वाले लोडिंग करने के लिए, खेत नहीं बोलते हैं बगान बोलते हैं, खेत अलग होता है बगान अलग होता है बाग, ठीक है बाग में जाने वाले लोड करने। तो चलिए हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं, अब गियर लगाते हैं, गाड़ी तो स्टार्ट आई है, अब यहाँ से निकलते हैं आगे। एक बार प्रेम से नाम हो जाए भगवान का, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र की जय। तो पार्टी का लोकेशन आ चुका है गाइस, अभी हम लोग को जाना है 11 किलोमीटर तो चतरा गोपालगंज रोड है, उधर ही जाना है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि नाश्ता पैक करवा ले खाने के लिए, क्योंकि अब पार्टी अंदर लेके चला जाएगा तो वहाँ नाश्ता पानी नहीं मिलता है, तो इसी वजह से हम लोग सोच रहे हैं रोड से कहीं पे नाश्ता पानी पैक करवा के चले। आज का मौसम काफी अच्छा है, क्योंकि परसों हल्का सा बारिश हुआ था, कल तो यहाँ पे बारिश हो नहीं पाया, मौसम कल भी थोड़ा सा खराब हुआ था लेकिन कल बारिश हुआ नहीं। तो जब ऐसा मौसम खराब हो जाता है ना तब थोड़ा सा अंदर से डर लगता है कि यार मौसम तो गड़बड़ हो चुका है, अब मेरा भाड़ा कहीं कैंसिल ना हो जाए, लेकिन भाई इस बार कैंसिल नहीं होने देंगे। बस अंदर से धड़कन ना हिल रहा है, ऐसे हो रहा है कि भाई भाड़ा अगर कैंसिल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मौसम अब टाइम आ चुका है बिगड़ रहा है, सही हो रहा है बिगड़ रहा है सही हो रहा है, तो जब मौसम गड़बड़ होता है तो सबसे बड़ा हम लोग का दिक्कत यही होता है कि लोडिंग कैंसिल हो जाता है। तो भाई आज ऐसा नहीं होना चाहिए, कल तो मैंने खुद से कैंसिल किया, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग रुक चुके हैं नाश्ता का दुकान पे, पोषण गया नाश्ता पैक करवाने के लिए, क्योंकि जहाँ से लोडिंग होता है उधर भाई नाश्ता पानी का दुकान नहीं है, इसलिए मैंने बोला भाई पैक करवा लो यहीं से, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगा, लोडिंग के बाद सीधा निकल जाएंगे हम लोग। तो नाश्ता अपना पैक करवा लिया और पार्टी ने फिर दोबारा लोकेशन भेजा है, कल का पार्टी दूसरा लोकेशन भेजा था, आज फिर दूसरा लोकेशन आ गया,
अभी हम लोग जा रहे हैं, ये वाला लोकेशन 8 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी जस्ट पहुंचे अपने लोडिंग पॉइंट पे, थोड़ा सा लोकेशन गलत मिल गया था, इधर उधर हम लोग घूम रहे थे, लेकिन फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से गाड़ी को लोडिंग करना है। और गाड़ी इधर साइड में लगा दिया है, और ये देख सकते हैं ये कौन सा आम है भाई, मुझे पता है नहीं, लेकिन मीठा आम है पका के खाने वाला। तो अभी है पेड़ में काफ़ी ज़्यादा पूरा भरा हुआ है, तो गाड़ी साइड में लगा हुआ है। और इधर हमारे व्यापारी साहब कैसे हैं भैया? बढ़िया, तो इन्हीं का माल लोड करना है आज बनारस के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ का लीची का क्वालिटी कैसा है। और जैसा कि आप लोगों को हम हर दिन बता ही रहे हैं कि मालदा मतलब लीची और आम। तो ये इधर कहीं पर भी देखिए पीछे नज़र जा रहा होगा आप लोगों का, इधर लीची या तो आम ही आप लोगों को दिखेगा। पोषण अभी भाभी से बात करते हुए आ रहा है, क्योंकि भाभी का थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया है, तो पोषण कल से ज़्यादा टेंशन में है कि यार तबीयत ख़राब है, वो तो अभी इधर ही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बाग में जहाँ से लीची अपना टूट रहा है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख रहे हो। तो अभी हम अपने लोकेशन पर पहुँचे नहीं हैं, धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में जितना भी पेड़ है सबसे एक एक दो दो पीस तोड़ तोड़ के खा खा के जा रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। तो अभी हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पे अपने गाड़ी का पूरा माल रेडी हो रहा है। तो ये देख सकते हैं, तो किसान का दिल जो होता है ना, वो भाई कुछ अलग लेवल का होता है। यहाँ पहुँचते ही चाचा जी ने हमें बोला आप इतना लीची खाते रहिए, ख़त्म हो जाएगा तो फिर ले लीजिएगा, मतलब जितना खाना हो खाओ पेट भर के, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट खदान में आए हैं भाई, खदान से अपना माल लोड हो रहा है। तो ये सब जो अपना माल है ये अपने माल गाड़ी के लिए रेडी हो रहा है, बाकी उधर भी है, उधर भी है, तो अगल बगल में भी है। और अभी हम लोग मेन अंदर आए हैं जहाँ पे मेन खदान है। हम लोग तो अभी पोषण हमको लग रहा है अभी ट्रेलर देख रहे थे हम लोग हाई रोड साइड में ना, मेन खदान तो अंदर साइड में है भाई। तो यहाँ पे लीचू मिला हुआ है, इसमें कीड़ा वीड़ा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम साफ सुथरा लीचू है। नाम की है लीचू बम्बई। तो ये वाला जो लीची है इसका नाम है मुंबईया लीची, ठीक है, ये देखो। तो हम लोग लीची और आम के बगान से घूम के जितना खाना था खा के चले आए फिर से अपने गाड़ी पे। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो पोषण यहाँ पे सुबह का नाश्ता निकाल चुका है, जो कि हम लोग सुबह पैक करके लेके आए थे, पूरी और सब्जी, और यहाँ पे 2 पीस रसगुल्ला भी है, ये भी खाएंगे, हमारा तो भाई फेवरेट है। पोषण को मिठाई से बहुत नफरत है, लेकिन खा लेगा 1 पीस, ठीक है। और सुबह सुबह इसको लीची हम खिला रहे थे, क्या नहीं पसंद है? ये लीची नहीं खाता, ये आम नहीं खाता, ये एप्पल नहीं खाता, ये पपीता नहीं खाता, फल नहीं खाता, फल मतलब तरबूज थोड़ा बहुत खाता है, थोड़ा बहुत 1-2 पीस खा लेता है। तो भाई फाइनली अपने गाड़ी का लोडिंग अब चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे पैकिंग होने के बाद माल आना चालू हो चुका है। गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ था छाँव में, तो अभी गाड़ी को मेन रोड पे लगा दिया, क्योंकि अब लोडिंग होना चालू होगा, क्योंकि अब पूरा माल आ रहा है। तो एक ही जगह से पार्टी ने बोला कि एक ही जगह से पूरा माल आपका लोडिंग हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। पोषण अभी देख सकते हैं क्या तोड़ रहा है, जैसे कि पेड़ से क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं? अमरा। ये खट्टा होता है और खाने में बहुत मजा आता है, तो हमको अभी पोषण दिया खाने के लिए, बहुत खट्टा है गाइस। तो जितना भी लीची था बाग से टूट के पैकिंग होने के बाद फाइनली आ चुका है। अब भाई यहाँ से हम लोग का काम स्टार्ट होने वाला है, गाड़ी में लोडिंग करेंगे, लोडिंग करने के बाद इसको अच्छे से तिरपाल रस्सा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का ड्यूटी चालू होगा इसको पहुँचाने का, बनारस तक का जिम्मेदारी हम लोगों पर आ जाएगा। तो पहला जिम्मेदारी होता है लेबर का, और जो बाग का मालिक होता है वो आएंगे सुबह सुबह, पैकिंग अपना करवाते हैं। तो जितना यहाँ पे देख रहे हैं सब कोई जा रहा है, सब लेबर अपने अपने हैं, सब आए थे काम करने के लिए सुबह, अब अपने अपने घर जा रहे हैं। इन लोग का ड्यूटी हो चुका है पूरा ख़त्म, और हम लोग का माल यहाँ पे आ चुका है, ये है, और यहाँ पे पूरा रखा हुआ है, अब जस्ट लोडिंग चालू हो जाएगा अपने गाड़ी का। तो फाइनली अभी गाड़ी का लोडिंग चालू हो चुका है, फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे, ये है भाई अपने गाड़ी का लोडिंग, इधर चालू हो चुका है, इधर इतना माल बचा हुआ है और उधर उतना माल बचा हुआ है। तो फटाफट चलिए पहले लोडिंग करवाते हैं गाड़ी का। तो फाइनली मेरा आधा से ज़्यादा गाड़ी लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। पोषण अभी ऊपर चढ़ चुका है, क्या कर रहे हो भाई वहाँ पे? अच्छा, पोषण बैठ के देख रहा है। तो अभी एक लोग लोडिंग कर रहा था इतना देर से, तो अभी एक लोग और आ चुका है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लोडिंग हो जाएगा। अभी भाई 3:30 बजने वाले हैं, और अभी भी हम लोग का गाड़ी छूटने का कोई प्रोग्राम नहीं बन पाया है। देखो, हो सकता है 4 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, देखते हैं बाकी क्या होता है। ये एप्पल का पेटी सोच के मतलब लिखा हुआ है हिमाचल, तो आप लोग ये मत समझना कि एप्पल इसमें होगा, तो इसमें लीची पूरा भरा हुआ है। तो अब आप लोगों से हम मिलेंगे जब मेरा गाड़ी लोडिंग हो जाएगा पूरा, तिरपाल लस्सा करके हम लोग निकलने लगेंगे, तब आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आप अपना काम चालू होने वाला है, मतलब अब हमारा काम यहाँ पे लगेगा कि हम लोग को तिरपाल लस्सा खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो वाला लेबर नहीं है जो तिरपाल लस्सा करके दे, वैसा वाला कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। तो फाइनली भाई हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी को लोडिंग करके, रस्सा तिरपाल अपना कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग को 14 घंटे में बनारस पहुंचना है।
और भाई जब कच्चा माल या फिर लीची कुछ भी लोडिंग होता है ना तो बहुत तकलीफ में गाड़ी बनाना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत भी अपने पास टाइम नहीं होता रोकने के लिए। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही होता है गाइस कच्चा माल लोड करने के बाद कि आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली चलना है। मतलब अगर 750 किलोमीटर का सफर है, 14 घंटे का टाइम मिला है और अभी हम जिस जगह पे हैं यहाँ से कम 250 किलोमीटर दूर है, हाईवे पकड़ने में हम लोग को 6 से 7 घंटा लग जाता है। उसके बाद फिर हाईवे पकड़ने के बाद भी 400 किलोमीटर हम लोगों को चलना होता है कंटिन्यूसली, 450 किलोमीटर, तो दूरी कम से कम 750 किलोमीटर ऑलमोस्ट पड़ जाता है। तो यही सब दिक्कत होता है, कंटिन्यू हमको चलना ही है। जिस चीज़ का डर हम लोग को रहता है वही चीज़ हो गया यहाँ पे, जाम लग चुका है भयंकर वाला, देख सकते हैं अभी निकले ही थे और जाम चालू हो चुका है। मतलब यहाँ पे शायद फास्टैग इसका काम नहीं कर रहा, सर्वर डाउन होगा, इसी वजह से टोल प्लाजा पे जाम लगा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कहीं साइड से अगर निकल पाएगा तो निकल जाएगा अपनी गाड़ी, सही रहेगा, छोटा गाड़ी है साइड से निकल तो जाना चाहिए गाइस, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो भाई पूरा कच्चा माल का गाड़ी एक लाइन से लग चुका है, देख सकते हैं ये पूरा कच्चा माल का गाड़ी है पूरा, ये जितना यहाँ पे देख रहे हैं सब पिकअप है और इनको भी आधा घंटा से ऊपर हो चुका है और हमारे पीछे भी पूरा लाइन लग चुका है कच्चा माल का गाड़ी का। ये भी कहाँ जाओगे कच्चा माल लेके? कलकत्ता का क्या चीज लोड है? लीची कलकत्ता जाएगा, आधा घंटा हो गया होगा ना। तो देख सकते हैं पूरा ये, तो सुनने में आया है कि फरक्का ब्रिज में काम चल रहा है, इसके वजह से रोड बंद कर दिया गया है। तो 5 बजे फरक्का ब्रिज का जो है वो खुलेगा, मतलब रोड खुलेगा। तो भाई जाम में फंसे हुए अभी 1 घंटा हो चुका है और हम लोग का गाड़ी अभी तक निकला नहीं है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई यहाँ मिले, कैसे भैया? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप लोग क्या लाते हैं अपने गाड़ी में? आम लाते हैं। आम कहाँ जाएंगे? नवादा। नवादा जाएंगे, नवादा बिहार। तो कितना घंटा हो गया? हम लोग 2 घंटा से जाम में फंसे। अच्छा, मतलब हमसे भी 1 घंटा पहले से फंसे हुए। अच्छा, तो कब छूटेगा पता नहीं अभी, रोड बन रहा है। तो भाई आगे रोड बन रहा है, अभी फरक्का ब्रिज क्या है कि बंद चल रहा है, तो उसके वजह से काफ़ी जाम लग जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। और आप लोग देखे होंगे जब फरक्का ब्रिज क्रॉस करते होंगे सामने एक अलग से ब्रिज बनाया जा रहा है, जब तक वो बनेगा नहीं ना तब तक ये जाम भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। पिछले साल भी सेम यही हालत था जब हम चल रहे थे, तो क्या करें, ऐसे ही फंस रहे हैं, कभी कोई फंसा हुआ है भाई। अभी तक जाम नहीं खुला है, लेकिन जाम में हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। कैसे हो भाई, बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। हाँ, क्या नाम है आपका? चिरंजीत मंडल है। अच्छा मंडल, आप कहाँ जा रहे हैं? हम जाएंगे बोकारो। बोकारो, और भैया के गाड़ी में भी लीची लोडिंग है ना? लीची लोड है। भाई शाम का 6 बज गया यार, अभी तक जाम नहीं खुला है और हमारे सब्सक्राइबर भैया लोग भी परेशान हैं यहाँ पे। कैसे बहुत जाम है। कितना देर से फंसे हैं अभी? 1 घंटा हो गया। आप लोग को 1 घंटा हो गया और आप लोग को 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, मतलब बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। क्या बताए अभी भाई, अभी हम लोग फरक्का ब्रिज के जस्ट मोड़ पे भी नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग आगे निकल पाए। दिखाओ उधर से, दिखाओ बाहर एक बार। क्या बाहर से दिखाया यार, मूड डिस्टर्ब हो गया भाई मेरा। ये देखो सामने लीची की गाड़ी है, पीछे भी बहुत सारा कच्चा माल का गाड़ी है। तो ये वाला जो है नया फरक्का ब्रिज बन रहा है, इसके बाद ये बन जाने के बाद यहाँ पे जाम नहीं रहेगा। बाहर से दिखा दो कितना मस्त बनाया जा रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त बनाया जा रहा है फरक्का ब्रिज नया वाला, और इधर भाई पूरा जाम लगा हुआ है पुराना ब्रिज के वजह से, बहुत बड़ा जाम। रात का 8:30 बज चुका है, अभी हम लोग जाम से निकल नहीं पाए हैं और जस्ट अभी हम लोग फरक्का ब्रिज के ऊपर आए हैं। तो आप लोगों का काफ़ी कॉमेंट आ रहा था भाई सही बात है कि नहीं, तो फरक्का ब्रिज के ऊपर कोई भी गाड़ी वाला लाइट जला के नहीं आता है। आप लोग देख सकते हैं सबका लाइट यहाँ पे बंद दिखेगा, पीछे भी देख सकते हैं सबका लाइट बंद दिखेगा, एक लाइट जला के आ रहा है, मतलब पार्किंग जला सकते हैं, पार्किंग के सिवा कुछ लाइट मेन लाइट नहीं जला सकते हैं। ये देखिए ये वाला ट्रक जो आ रहा है ये भी नहीं जलाया है, मेन लाइट नहीं जलाया है। ठीक है, देखिए ये तो पार्किंग भी नहीं जलाया है। आप लोग देख सकते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर में जो है लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है, और एक पीछे है प्राइवेट गाड़ी, वो लाइट जला के आ रहा है, उसको जानकारी नहीं होगा कि भाई लाइट नहीं जलाया जाता है। तो लाइट जलाओगे तो आपको सियाक पे पला अच्छा खासा दंड भी देगा, ये देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुमका और अभी टाइम क्या हो रहा है भाई, फोन तो इधर है, अभी टाइम हो रहा है रात का 12:13। ठीक है, एक बार इस पर आपको दिखा देते हैं टाइमिंग, 12:13 टाइमिंग हो रहा है और अभी हम लोग दुमका पहुंचे हैं। पार्टी का ये कहना है कि मीडियम भाई आप जाम में फंस गए थे, तो जाम में तो भाई सभी गाड़ी फंसा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो जाम में फंस गया तो पार्टी का जो मंडी है वो छूट गया। अब पार्टी का ये कहना है कि आप बनारस ना जाके, पार्टी सोनू भाई से हमारा बात किया है, सोनू भाई भी मतलब ड्राइवर है, तो सोनू भाई हमारे मित्र भी हैं और ड्राइवरी भी करते हैं अपना, उनके पास गाड़ी भी है, तो वो रहते हैं रानीगंज में, तो उनसे बातचीत हुआ था। तो उन्होंने बोला कि सोनू भाई माल बिकवा देगा, आप रानीगंज लेके चले जाइए। तो अभी हमें जाना है रानीगंज। तो ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा कि चलो पार्टी को भी समझ में आया कि जाम लगा, अब हमारा माल बनारस में नहीं कट पाएगा, कहीं और कटवाने का कोशिश किया जा रहा है।
तो होता है इसमें सीन क्या है कि अगर ये माल हम बनारस लेके जाते तो कल हमें 10 से 11 बज जाता दोपहर में पहुंचने में, तो हम 5 घंटे टोटल यहाँ पे जाम में फंसे हुए थे। तो अभी चलिए रानीगंज चलते हैं, सीन यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है, रानीगंज में माल बिकेगा, रानीगंज में सोनू भाई पैसा भेज देंगे पार्टी को। तो यही सब काम है अपना, मतलब घूमते रहते हैं हम लोग, ठीक है, माइंड एकदम खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है भाई कभी कभी। तो पोषण तुम क्या कहना चाहोगे भाई, क्या कैसा लगा आज तुमको, इतना देर पहली बार जाम में फंसा है ना? अरे भाई फरक्का पे 5 घंटा जाम में फंसे फंसे एकदम हालत खराब हो गया। तो बनारस का मंडी हम लोग का छूट चुका है, अब पार्टी का और हमारा ही नहीं गाइस, हमारा ही नहीं, साथ में उड़ीसा का गाड़ी था, रांची का गाड़ी था, तो मतलब बहुत जगह का गाड़ी था, दूर दूर का 1800 किलोमीटर उन लोगों को जाना था, सबका मंडी फेल हो गया। तो चलिए अभी चलते रानीगंज। फाइनली गाइस पहुंच चुके हम लोग नेशनल हाईवे जुबली पेट्रोल पंप। तो ये भाई आसनसोल, सीधा जाएंगे तो आसनसोल पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग हाईवे पे चढ़ेंगे दिल्ली कोलकाता रोड पे, सीधा हम लोग को जाना है रानीगंज, क्योंकि पार्टी ने बोला है कि वीडियो भाई रानीगंज में माल बेचना है, तो रानीगंज गाड़ी लेके जाइए। तो चलिए चढ़ जाते हैं फटाफट करके हाईवे के ऊपर। तो हम लोग जस्ट अभी पहुंचे हैं रानीगंज मार्केट के अंदर में, और यहाँ पे पोषण अभी चढ़ के हमने तिरपाल लस्सा खोल दिया, मतलब दोनों लोग लगता है भाई एक लोग का बस का बाहर है, और जब अकेले रहते तो हम ही करते थे, अब दो लोग हैं तो दो लोग मिल बांट के कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोषण ऊपर चढ़ा था, नीचे से हम खींच दिए, और तिरपाल पोषण आज अकेले समटा, ठीक है, हम नहीं समटे, हम बैठ के वहाँ पे हवा ले रहे थे, और ये भी खोला, इसको जाली वाली खोल के रेडी कर दिया है। तो कहने का ही मतलब है कि अब यहाँ पे माल अपना बिकना चालू हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे 3 बजे, अब देखते हैं 6-7 बजे तक भैया बोल रहे हैं कि आज लीची की गाड़ी यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि सोचो इतना भयंकर जाम लगा हुआ था कि इनका भी 2 गाड़ी माल नहीं आया है अभी तक, मतलब इनका 2 गाड़ी अभी आम आने वाला था, जाम में अभी भी फंसा हुआ है। पोषण सुन के हंस रहा था कि यार अभी तक जाम लगा हुआ है, मतलब पोषण हमको लगता है कि हम लोग किस्मत अच्छा था कि हम लोग पहले निकल गए, हाँ फिर भी हम लोग 5 घंटा फंसे थे, 5 घंटा फंसने के बाद किस्मत अच्छा था कि निकल गए, नहीं तो वहाँ पे कि 12 बजे दोपहर से इंसान फंसा हुआ था, हम तो 4 बजे फंसे। चलो कोई नहीं, फिलहाल अब देखते हैं क्या भाव में माल बिकता है, हमारा बस पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो बस माल यहीं पे खाली करवाएंगे, बिकवाएंगे, और जो वीजा वीजा होगा पैसा ऐसा लेके अपने पार्टी के अकाउंट में लगाना भी है, और जो भी रहेगा मान लीजिए ऑनलाइन यहाँ का पार्टी करेगा तो ऑनलाइन मरवा देंगे पार्टी से बात करवा के, और बाकी जैसा भी होता है देखते हैं सुबह क्या होता है, पहले बस माल बिकने देते हैं सही दाम से। तो यहाँ पे भैया मिल गए, तो ये बताइए भैया कौन से गद्दी पे हम आए माल बेचने के लिए? सलीम खान है, सलीम खान आम वाले रानीगंज। अच्छा आम वाले, मतलब बहुत फेमस है, ये देखिए यहाँ पे आम का फोटो वोटो बना हुआ है, आम केला, और ये देखो भाई ये है गद्दी, इसी गद्दी पे आए माल बिकवाने के लिए। आप कुछ कह रहे थे कि आपका भी गाड़ी दोनों जाम में फंसा हुआ है जी। सही बात है, ये बात सही है। तो भैया बोल रहे थे कि आप लोग जैसे जाम में फंसे हुए हैं और हमारा भी 2 गाड़ी वहाँ जाम में फंसा हुआ है, तो हम तो 5 घंटा फंस के निकल गए लेकिन इनका गाड़ी अभी तक नहीं आया है, और भैया बोल रहे कि आज नहीं आ पाएगा लगता है, आज आ पाएगा भैया? नहीं मुश्किल है, मुश्किल है ना, हम लोग तो समझ लो कि सही टाइम पे निकल आए और पहुंच भी गए गद्दी पे, हम लोग को जाना था बनारस और हम लोग पहुंच गए रानीगंज उल्टा। तो कोई नहीं, चलो माल अब बिकवाते हैं, अब जैसे जैसे कस्टमर आएंगे माल बिकेगा, क्योंकि भैया बोल रहे हैं कि जाम में सब गाड़ी फंसा है, तो यहाँ पे लीची का भी गाड़ी कोई आया नहीं अभी तक, और लीची बिकने में टाइम लगेगा नहीं हम लोग। तो भाई अपना फाइनली माल पूरा गाड़ी का बिक चुका है, माल बेचने के बाद भाड़ा भाड़ा मिल चुका है, गाड़ी इधर साइड में लगा दिया है। तो इस ब्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रात को भाई काफ़ी खतरनाक वाला सीन हो चुका था, सीन ये हुआ था कि आप लोगों ने देखा पूरा जाम में फंसे हुए थे, बनारस जाना था, बनारस नहीं जाके पार्टी का माल को बचा लिया गया, मतलब बनारस जाता तो बिक ही नहीं पाता भाई वो माल, क्योंकि खराब हो जाता धूप में। तो रातों रात हम लोगों ने यहाँ पे आया रानीगंज में, रानीगंज में पूरा माल बिक चुका है, और यहाँ पे 10 मिनट के अंदर पूरा माल बिक गया, पार्टी के लिए अच्छा है, और पार्टी को कुछ ना कुछ पैसा थोड़ा बहुत बच गया है, मतलब नुकसान भी नहीं हुआ और घाटा, मतलब नुकसान भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं हुआ कह सकते हैं। सो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रखिए।